टुडे आई एम गोइंग शो यू समथिंग स्पेशल। आज मैं आपको NPCIL प्लांट ऑपरेटर की पोस्ट का स्टेट 2 के पेपर का सॉल्यूशन के बारे में बताऊंगा, जो कि हाल फिलहाल में नवंबर 2019 खड़गपुर गुजरात में ख़त्म हुआ है। ठीक है, तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? उसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि 20 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना परसेंट होता है। हम सब जानते हैं कि 2 kg में क्या हो जाता है, 2 kg में हमारे पास होता है 2000 ग्राम। ठीक है, 2000 ग्राम हमारे पास होता है, तो हम क्या निकालेंगे, 20 ग्राम 2000 किलोग्राम का कितना, 2000 ग्राम का कितना परसेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर परसेंटेज निकालने के लिए हमने 100 लगा दिया। हम जानते हैं 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 20 से 20 क्या हो जाएगा, एक बार कट जाएगा, तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या जाएगा, 1% के इक्वल होता है। ठीक है, अगर हमें इसको और इजी मेथड से करना है तो इसके लिए मैंने आपको इसके पहले वाली जो वीडियो है उसमें परसेंटेज के शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में बताया हुआ है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ जाकर उसे देख सकते हैं। तो उसके अगर उस शॉर्ट ट्रिक्स के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो कैसे होगा, जैसे कि हमें पता है कि 2000 ग्राम हमारे पास है। ठीक है, जो कि क्या हो जाता है, अपने आप में हर संख्या 100% होती है, 2000 भी अपने आप में क्या होता है, 100%। ठीक है, अब जैसे कि हम जानते हैं कि एक जीरो जब यहाँ से काटेंगे तो हमारे पास 10% निकल जाता है, जो कि 200 ग्राम के बराबर हो जाता है। फिर एक जीरो जैसे ही हटाते हैं तो हमारे पास यहाँ से भी एक जीरो हटता है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा 1% होता है वो 2 किलोग्राम का 20% होता है, जो 20 ग्राम होता है वो 2 किलोग्राम का 1% होता है। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा, हमारा आंसर होगा यहाँ पर सी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर यहाँ पर हुआ। चलिए, क्वेश्चन हो चुका है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, तो जैसे कि हमारे यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि हमें उन दो संख्याओं के योग का न्यूनतम मान बताना है जिनको मल्टीप्लाई करने पर 36 आ जाता है। तो हम जानते हैं 36 हमारे पास क्या होता है, जब 6 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 36। जब हम 4 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 36। अब जब हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आता है, ठीक है, हमारे पास आता है 12। ठीक है, और जब इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, 13। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर मिनिमम वैल्यू जो की होगी वो होगी हमारी 12। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर, 12 हमारा आंसर होगा। चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, यदि 3250 रुपये, मतलब यहाँ पर हमारा टोटल अमाउंट कितना दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है 3250 रुपये का अमाउंट दे रखा है, जिसको क्या होता है, अजय सत्य और विजय के बीच में डिवाइड किया गया है, 1/2 ratio, 1/3 ratio, 1/4 ratio के में डिवाइड यहाँ पर किया गया है इन तीनों के बीच में। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, तीनों का शेयर निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें अगर कभी भी इस तरीके का कुछ क्वेश्चन आए उसमें फ्रैक्शन दे रखे हो तो इसको क्या होता है, ईजी क्वेश्चन को ईजी बनाने के लिए जो फ्रैक्शन होता है उसको क्या होना चाहिए, उसको सिंगल डिजिट्स में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। तो उसके उसको हम कैसे करते हैं, तो जैसे कि यहाँ पर जैसे होता है कि 1/2 हमें दे रखा है रेशो, 1/3 ratio, ठीक है, और 1/4 हमें यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, है ना, ये हमें यहाँ पर दे रखा होगा। ठीक है, ये हमें यहाँ पर दे रखा है, तो इसका एलसीएम जब हमें निकालेंगे तो हमारा एलसीएम कितना आएगा, हमारा एलसीएम आएगा 12। ठीक है, 12 एलसीएम हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद जब हम 12 को 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 6। ठीक है, और हम 12 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 4। ठीक है, और जब हम 12 को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ रहा है 3। ये ठीक है, ये इसको इससे डिवाइड किया तो हमारे पास ये रेशियो निकल कर सामने आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि ये अजय का शेयर हो जाता है, ये सत्या का और ये विजय का रेशियो हो जाता है। ठीक है ना, ये इनका रेशियो हो जाता है, जो फ्रैक्शन के रेशियो थे उनको हमने सिंगल डिजिट रेशियो में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब हम जैसे कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है, हमारे पास है 3250 का टोटल अमाउंट हमें दे रखा है, जिसको क्या होता है, तीन शेयर में बांटा गया है। ठीक है, एक तो बांटा गया है 6 और 4 और एक +3। तो हम क्या करने, इन तीनों शेयर को जो इनके तीनों शेयर रेशो जो हमारे पास है, ठीक है ना, इनको क्या कर लेना है, इनको काउंट कर लेना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 13 हो जाएगा। ठीक है, 13 हमारे पास इनको जोड़ने पर आ जाएगा, ठीक है ना, एडिशन करने पर। और उसके बाद क्या हो जाता है, अगर हमें, ठीक है, अब ये यहाँ पर क्या है कि 3250 जो 3250 है वो 13 के रेशो के इक्वल है, मतलब टोटल 13 के रेशो को, इस 13 के रेशो को ही तो इन तीनों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब हमें यहाँ से एक का रेशो निकालना पड़ेगा। एक का रेशो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक का रेशो निकालने के लिए हम ये करते हैं कि यहाँ पर जैसे कि 3250 है उसमें उसको डिवाइड कर देते हैं हम, टोटल जो रेशो है हमारा 13 उससे। ठीक है,
उसके बाद जो हमारा आंसर निकल कर आता है, तो हमारे पास एक का रेशियो यहाँ पर निकालने के लिए हमने ऐसे किया, तो एक का रेशियो कितना निकल कर आता है हमारा 250, ठीक है, और 13 का रेशियो है 3250, ठीक है, एक का रेशियो 250 आया। अब हमें जो यहाँ पर अजय का शेयर निकालना है, तो अजय का शेयर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पर अजय के पास कितना रेशियो का शेयर है, अजय के पास 6 रेशियो है, ठीक है, तो अजय के 6 रेशियो को बनाने के लिए क्या करते हैं, हम एक रेशियो से 6 को इंटू कर देंगे, ठीक है, तो 6 × 25 कर 250 कर देंगे, ठीक है, तो 6 का रेशियो निकल कर आएगा, तो यहाँ पर कितना अमाउंट आ जाएगा अजय का, यहाँ पर आ जाएगा 1500, ठीक है, 1500 अमाउंट यहाँ पर अजय का आ जाएगा। उसके बाद हम जैसे ही सत्या का निकालेंगे, तो वो कितना आ जाएगा, अजय सत्या के पास कितना रेशियो है, सत्या के पास है 4 रेशियो, ठीक है, सत्या के 4 रेशियो को मल्टीप्लाई जैसे ही हम करते हैं, सत्या के 4 रेशियो को हम 250 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आता है, हमारे पास आता है 750, ठीक है, 750 हमारे पास निकल कर आता है ना। और अगर विजय का शेयर निकालने की हम देखते हैं, तो विजय का ठीक, सॉरी सॉरी, यहाँ पर क्या होता है 1000 हमारे पास इसका शेयर आता है, ठीक है, 1000 हमारे पास शेयर आता है इसका सत्या का, ठीक है। विजय का शेयर हमारे पास कितना आता है, विजय के शेयर के निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 250 को, ठीक है, 3 से जब 250 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आता है, तो हमारे पास कितना आता है, तो हमारे पास आता है 750, ठीक है, 750 हमारे पास आ जाता है, ठीक है, 750 हमारे पास आता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास अजय का शेयर कितना आता है 1500, और इधर से सत्या का आ जाता है हमारे पास 1000, और विजय का आ जाता है 750। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा, हमारा आंसर विल बी फर्स्ट ए, हमारा आंसर यहाँ पर होगा, ठीक है। तो ये हमारा सवाल पूरा हो चुका, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमें यहाँ पर दे रखा है कि ए और बी अलग अलग किसी कार्य को करते हैं, तो ए किसी कार्य को 5 दिन में और बी किसी कार्य को 4 दिन में करता है, अगर दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में काम का कितना भाग पूरा करेंगे, ये हमें दे रखा है। तो मान लीजिए हमें पता है कि जो ए है वो 5 दिन में एक्स कार्य करता है, ठीक है, 5 दिन में कितना कार्य कर रहा है, एक्स कार्य कर रहा है, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, एक दिन में ये करेगा हमारा x/5, ठीक है। वहीं बी की बात करें तो बी जो होता है 4 दिन में एक्स काम कर रहा है, ठीक है, एक्स कार्य करता है, एक दिन में ये कितना करेगा, एक दिन में करेगा x/4, ठीक है, x/4। अब हम क्या करते हैं, हमें पूछा गया है कि एक दिन में जो है ए और बी मिलकर कितना काम करते हैं, तो एक दिन में ए और बी मिलकर कितना कर रहे हैं, x/5 ए कर रहा है, ठीक है, प्लस बी कितना कर रहा है, x/4, ठीक है, x/4 कर रहा है। तो जैसे कि जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं, तो हमारे पास कितना आ जाता है, हमारे पास एक दिन का इनका वर्क आ जाता है 9x/, ठीक है, इनका वर्क कितना आ जाता है, इनका वर्क आ जाता है 9x/20 हमारे पास आ जाता है, ठीक है, 9x/20 हमारे पास आ जाता है। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा, हमारा आंसर यहाँ पर होगा सी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है कि पी और क्यू का मंथली वेज, मतलब मासिक वेतन कितना है 2525, क्यू और आर का कितना है 3125, और पी और आर का है 2600, ठीक है। तो पी का हमें मासिक वेतन फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए जैसे कि क्या करते हैं हम, जैसे कि हमें यहाँ पर गिवन है कि पी और क्यू, ठीक है, पी और क्यू का कितना दे रखा है हमें, हमें दे रखा है 2525, ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि यहाँ पर क्या आता है, 2 जन है पी और क्यू, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाता है यहाँ पर 50-50 आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्यू प्लस आर को देखेंगे, क्यू प्लस और आर का कितना है, क्यू प्लस और आर का कितना है यहाँ पर 3125 है, ठीक है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 जन है, तो 6250 इसका हमारे पास आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं पी प्लस आर को, तो पी प्लस आर को भी हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहता है 2600 × 2, तो हमारे पास यहाँ पर कितना रहता है 5200, ठीक है, 5200 आ जाता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड यहाँ पर हमारे पास बन गई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, किन इक्वेशंस को जोड़ देंगे, 1 + 2 + 3 इक्वेशन को हम
जोड़ देंगे, ठीक है। जब इनको हम जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2p प्लस 2q, 2q और प्लस 2r, हमें यहाँ पे फाइंड आउट होगा जब इन तीनों को हम आपस में जोड़ेंगे LHS को, ठीक है। और इज इक्वल टू, जब हमारे पास जो ये रहेगा, अब इनको भी जोड़ेंगे हम, तो इनको जब आपस में जोड़ेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 16,500 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर से दो कॉमन ले लेंगे, ठीक है, इन इनमें से दो कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, पी प्लस क्यू प्लस आर, ठीक है, ये बन जाएगा। और यहाँ पर क्या रहेगा, 16,500 यहाँ पर रहेगा हमारे पास, ठीक है, ठीक है, 16,500 यहाँ पर रहेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या होता है, पी प्लस क्यू को एक साइड रखेंगे, पी प्लस क्यू प्लस आर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जब इसको 16,500 को हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, जब 16,500 को हम दो से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8,250, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास आ गया, हमें निकालना है यहाँ से पी की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, पी को तो इस साइड पे रखेंगे और क्या करेंगे कि 8250 में से, 8250 है उसमें से माइनस क्या करेंगे, क्यू प्लस आर को माइनस करेंगे यहाँ पर। तो क्यू प्लस आर की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, हमने यहाँ से क्यू प्लस आर की वैल्यू निकाली, तो हमारे पास क्या आती है, क्यू प्लस आर की वैल्यू 625 जो हमारे पास है, तो क्यू प्लस आर की वैल्यू आ जाती है। तो इसको जब हम माइनस करेंगे इस क्यू की आर की वैल्यू को, तब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर पी का आंसर क्या निकल कर आएगा, हमारे पास यहाँ पर पी का आंसर निकल कर आएगा 2000, ठीक है। तो आवर आंसर विल बी हेयर 2000, जो कि डी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो डी होगा ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन सोल्व हो चुका, चलते बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा बोर्ड मास बेस्ड है, ठीक है, ये बोर्ड मास पर बेस्ड हमारा क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले हम क्या होता है, छोटे वाले ब्रैकेट जो रहता है स्मॉल ब्रैकेट, इसको सोल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या होता है हमारे पास है, जब हम 105 में 5 का भाग देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 21, ठीक है। उसके बाद बीच में आ जाएगा माइनस जो कि यहाँ पर लगा हुआ है। उसके बाद 550 में जब हम 25 का भाग देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 22, ठीक है। जब हम, अब हम क्या होता है, हमारे बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सोल्व होता है, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट। तो सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को हम जब यहाँ पर सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर 3 प्लस 2। तो जब 3 प्लस 2 को हम यहाँ पर सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 5, ठीक है। अब हम बड़े वाले ब्रैकेट को यहाँ पर सोल्व करेंगे, 5 आ जाएगा अपो, और यहाँ पर क्या होता है, डिवाइडेशन का सिंबल है, उसके बाद 5 है, ठीक है ना। अब यहाँ पर 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास, अब यहाँ पर देखते क्या होता है, 21 का 21 हमारे पास है, ठीक है, 22 जैसा का जैसा आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा। और जब हम इस कोष्टक वाले को सोल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, ब्रैकेट वाले को सोल्व करने पर हमारे पास आ जाएगा 1। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, जब हम इनको आपस में, जब 21 को 22 में से हटाएंगे तो हमारे पास आएगा -1 और इधर बचेगा, और इधर का एक +1, ठीक है, ये होगा +1। तो जब ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा, 0 हमारा आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर पूछा गया है कि ए किसी कार्य को 4 गुना तेज कार्य करता है, यदि बी किसी कार्य को 12 दिनों में करता है तो ए उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। मान लीजिए कि जो बी है किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है, तो ए जो है उसी कार्य को 4 गुना तेजी से करता है। तो ए उस कार्य को जब 12 4 से कटेगा 3 बार, तो हमारे यहाँ पर आंसर आ जाएगा 3। तो ए 4 दिन में उस कार्य को ख़त्म कर लेगा, तो सी हमारे यहाँ पर आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई ट्रेन चल रही है, इस रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है, 200 मीटर प्लेटफॉर्म को ये पार करती है, तो उसको पार करने में कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम जानते हैं कि जो स्पीड का फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, और है ना, ठीक है। अब हमें यहाँ पर दे रखा है कि एक प्लेटफॉर्म है,
200 मीटर का, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म है 200 मीटर का, है ना, ये प्लेटफॉर्म है 200 मीटर का डिस्टेंस का यहाँ से यहाँ तक का। उसके बाद क्या हो जाता है कि एक रेलगाड़ी है जो इसे पार कर चुकी है, तो इस रेलगाड़ी की जो लंबाई हो जाती है वो हो जाती है 150 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से और यहाँ तक की लंबाई हमारे डिस्टेंस हमारे पास कितनी हो जाएगी, 350 मीटर, ठीक है। अब हमें यहाँ पर निकालना है टाइम, तो स्पीड से हम टाइम का फॉर्मूला निकाल लेंगे। टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास डिस्टेंस बट्टा स्पीड, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर देखना है डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, 350 हमारे पास डिस्टेंस होगी, क्योंकि डिस्टेंस मीटर में है इसलिए स्पीड में हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करनी होगी। तो 60 किलोमीटर पर आवर को जब हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60 × 1000, जो 1 किलोमीटर है उसको 1000 मीटर बना ले, 1000 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। उसके बाद पर घंटा, मतलब 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते, तो बटे में 3600 को ऊपर हम ले जाएंगे, तो 3600 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 36 जो है 6 से 6 बार कटेगा, 60 जो है 6 से 10 बार कटेगा, ठीक है, और 5 से 10 कटेगा 2 बार, 35 कटेगा 7 बार, 2 से 6 कटेगा 3 बार, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7 × 3, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 21 सेकेंड हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि 400 रुपये की अंकित मूल्य वाली वस्तु है जिसको 15% और 1% की छूट दे रखी है, 272 रुपये में, तब उसे बेचा जाता है, तो एक्स की वैल्यू जो हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमें यहाँ पर क्या होता है कि नेट प्राइस हमको दे रखी है, नेट प्राइस हमको गिवन है, ठीक है, जो नेट प्राइस हमको दे रखी है वो कितनी दे रखी है, वो हमें दे रखी है 400 रुपीज़, ठीक है, 400 रुपीज़ दे रखी है। सेलिंग प्राइस हमको क्या दे रखी है, जो कि दे रखी है 272 रुपीज़, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमको सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू निकालना पड़ेगा, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस 15, ठीक है, 100 माइनस 15, है ना, 100 माइनस 15% ऑफ 100 माइनस x%, एक्स का होल ऑफ का 1% और ऑफ 400, ठीक है, ये हमारे पास है, ठीक है। तो जैसे कि हमें सेलिंग प्राइस कितनी है हमारे पास, 272, ठीक है, 272 हमारे पास यहाँ पर सेलिंग प्राइस है, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या रहता है, 85/100, ठीक है, इनटू 100 माइनस x/100 × 400, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। अब जब हम 272 और इसको इधर लाएंगे, 272 और 85 को जब नीचे लाएंगे और इधर जब 100 ले जाएंगे, ये वाला और ये वाला 4 जो होगा यहाँ पर लाएंगे, और इज इक्वल टू, तो यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ पर बचेगा 100 माइनस x, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है, 80 हमारे पास आ जाता है, इज इक्वल टू 100 माइनस x, ठीक है। अब जब आप यहाँ पर x की वैल्यू को रखेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पर हमें क्या मिलेगी, x की वैल्यू जब आप इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 20 आ जाएगी, तो हमारा इसका आंसर आ जाता है 20, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। चल तो चले बढ़िए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक आयत है जिसका क्षेत्रफल 2024,000 वर्ग किलोमीटर है, इसकी भुजाओं का रेशियो दे रखा है 5:3, तो बृहत्तर भुजा मतलब सबसे बड़ी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आयत है कुछ इस तरीके का है, ठीक है, ये लिंब हो गई इसकी 3x वाली, है ना, ये 3x वाली लिंब होगी और ये होगी इसकी 5x वाली लिंब, ठीक है ना, हमने सामने की भुजाएं बराबर होती है आयत में, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर क्या होता है, मान हमें लिंब का लंबाई और चौड़ाई का रेशियो क्या दे रखा है, मान लीजिए 5x/3x हमें दे रखा है। अब हमें इसे यहाँ पर दे रखा है कि क्षेत्रफल ए इज इक्वल टू, हम जानते हैं कितना दे रखा है, एरिया दे रखा है 24,000 हमें दे रखा है, 24,000 मीटर स्क्वायर हमें यहाँ पर एरिया दे रखा है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि हम जानते हैं लंबाई इंट चौड़ाई जो होती है, हम एरिया क्या होता है, लंबाई इंट चौड़ाई, लंबाई क्या है यहाँ पर 5x, इंटू चौड़ाई कितनी है
3x, ठीक है, और यहाँ पर इज इक्वल टू 24,000, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, 5 15 x² यहाँ पर हो जाता है ये, ठीक है, ये 15 x² हमारे पास हो गया है, इज इक्वल टू 24,000 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, एक्स की वैल्यू जब निकालते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, 24,000, ठीक है, 24 x² की वैल्यू निकालें, 24,000 बटा 15 यहाँ पर होगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1600, इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा कि एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1600 का रूट आ जाएगा, तो हमारे पास 40 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अभी जो एक्स की वैल्यू है, अब ये चेक करना है हमें कि सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, तो उसके लिए हम चेक करेंगे लंबाई वाली को, सबसे फर्स्ट वाली को चेक करेंगे। तो यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू है वहाँ पर रख देंगे हम 40, तो इसका क्या हो जाएगा, जब 40 की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 × 40, तो यहाँ पर निकल जाएगी 200। अब विड्थ वाली चेक करते हैं, यहाँ पे क्या होता है, बी वाली चेक करते हैं, तो बी वाली में 3 × 40 जब रखते हैं और चेक करते हैं तो हमारे पास आता है 120। तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी हो रही है हमारे पास, 200 मीटर की, तो हमारे पास यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 200 मीटर, सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हेलो फ्रेंड, जैसे कि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, हमें एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, उसके लिए हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा, 965 को हमें, ठीक है, 965 × 25 अपॉन 100, ठीक है, माइनस एक्स का 69% जो कि कुछ इस तरीके से निकलेगा, इज इक्वल टू 210.2, ठीक है ना। जब हम इसको सोल्व करेंगे ना तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 241.25 आ जाएगा। जब हम इस वैल्यू को क्या होता है बराबर की इधर लाएंगे 210.2 को, तो ये यहाँ पर नेगेटिव की आ जाएगी। उसके बाद जब हम इस वैल्यू को उधर ले जाएंगे बराबर के, तो ये आ जाए पॉजिटिव में हो जाएगी, तो एक्स इंटू 69/100 ये यहाँ पर से हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, जब आप यहाँ पर क्या होता है, इन दोनों को सोल्व करने पर हमारे पास क्या रहता है, 31.05 हमारे पास आ जाता है। और जब बराबर के, ठीक है, वो बराबर की इधर से 100 को ला के इधर रख देंगे, उसके बाद क्या हो जाता है हमारा यहाँ पर, हमारा यहाँ पर देखिए क्या होते हैं, यहाँ पर क्या होता है, ये लाइन आपको कंफ्यूज कर सकती है, तो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। हाँ, तो आपको जैसे यहाँ पर 31.05 आने के बाद आप 100 इधर ले आएंगे, उसके बाद आपको क्या होता है, 69 को बटे में रख देना है, 69 को बटे में रख देना है, तो आप जब इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ पर एक्स की वैल्यू जो होती है 45 आएगी, जो कि डी हमारा आंसर होगा, ठीक है, आप करके देख लीजिएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, जैसे कि हमें 30 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, इसमें हमें 2.5 साल का ब्याज निकालना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या होता है, 1500 का यहाँ पर से 2% निकालना पड़ेगा, तो 1500 का 2% जो होता है वो होता है 30 रुपये, ठीक है ना। तो 30 रुपये जो क्या होते हैं वो हमारे 1 मंथ का ब्याज आ जाता है, 1 मंथ का ब्याज आता है, 2.5 मंथ, 2.5 ईयर का अगर हमें ब्याज निकालना है, तो हम जानते हैं कि 2.5 ईयर में क्या हो जाता है, 30 मंथ होते हैं। अब इस 30 मंथ को क्या होता है, हम 30 रुपये से गुना कर देते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, 900 रुपये आ जाते हैं, तो हमारे क्या हो जाता है, 2.5 ईयर का ब्याज हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर क्या हो जाता है, नंबर 40 नंबर का क्वेश्चन में कुछ हमें क्या होता है, मिश्रित धन निकालना है 3 साल का, तो हमें सबसे पहले क्या होता है, 800 का 8% निकालना पड़ेगा, 800 का जब 8% निकालते हैं तो हमारे पास आ जाता है 64 रुपीज़, तो 64 रुपीज़ जो होता है हमारा 1 ईयर का जो जाता है ब्याज हो जाता है। अब हमें क्या करना है, 3 ईयर का ब्याज निकालने के लिए हमें क्या करना है, 64 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 192, और जैसे कि आप 3 ईयर का 192 जैसे से आपके यहाँ सब जानते होंगे, मिश्रित धन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मूलधन, मूलधन प्लस ब्याज हमारा इसका फॉर्मूला होता है। तो हम जानते हैं हमारा मूलधन कितना है, 800 रुपये, और ब्याज हमारा पास आ रहा है 3 साल का 192, तो हमारा आंसर जो होता है 992 हो जाता है, जो कि हमारा ऑप्शन होगा सी, जो कि हमारा आंसर सी सही है। तो चलते बढ़िए नेक्स्ट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, पर हमें क्वेश्चन दे रखा है जिसमें हमें शंकु और बेलन के आयतन का रेशियो निकालना है, ठीक है ना, ये रेशियो निकालना है। तो यहाँ पर मान लीजिए शंकु की त्रिज्या है R1, बेलन की त्रिज्या है R2, शंकु का ऊंचाई है H1, बेलन की ऊंचाई है H2, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं, रेशियो निकालते हैं, शंकु का रेशियो बटा बेलन का रेशियो, V1/V2, ठीक है ना। शंकु का रेशियो क्या हो गया, क्या V1, तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 πr² h1, ठीक है। उसके बाद आता है बेलन का आयतन क्या होता है, πr² h, ठीक है, तो यहाँ πr² h2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर वैल्यू को पुटअप कर देते हैं, तो वैल्यू क्या पुटअप होगी हमारी,
यहाँ पर आएगा 1/3 पाई से पाई, यहाँ पे पहले ही कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है ना। तो गुणा 4 का स्क्वायर गुणा 3/3 का स्क्वायर गुणा 2। जब इसे यहाँ पर काटेंगे 3 से 3 कट जाएगा, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा 16/18 आ जाएगा। जब इसे 2 से काटेंगे तो हमारा आंसर क्या जाएगा 8:9, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट आंसर होगा। सो माई फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।